पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद की गलियों से निकलकर दिल्ली में अपने हुनर का जलवा दिखाने वाली महिला सुनीता पांडे ने मुरादाबाद ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड जीतकर अन्य राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया और मुरादाबाद का नाम रोशन कर दिया। घर का काम करने वाली महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी सुनीता पांडे का मुरादाबाद पहुंचने पर स्वागत किया गया और उन्हें बधाई दी गई। आपको बता दें कि दिल्ली के उत्तम नगर ईस्ट में एशियन स्पोर्ट्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुंबई और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सम्मिलित हुए, जिसमें महिला वर्ग में 40 से 50 वर्ष की आयु में मुरादाबाद शिवपुरी निवासी सुनीता पांडे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुनीता पांडे ने डेडलिफ्टिंग में 130 किलो और बेंच प्रेस 60 किलो दोनों प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके गोल्ड मेडल हासिल किया। दिल्ली में हुए पावर लिफ्टिंग ऑल इंडिया कंपटीशन में गोल्ड प्राप्त किया है। सर, इस लाइन में आए हुए मेरे को 3 साल हो गए। कारण कुछ खास नहीं, बस जैसे सब जाते हैं वैसे मैं भी फिटनेस के लिए गई थी। 3 साल में बस यही अनुभव आया कि खुद को बीमारी से दूर रख के कुछ भी कर सकते हैं। मैंने 3 कंपटीशन अटेंड किए, तीनों में गोल्ड रहा है। दिल्ली उत्तम नगर, दिल्ली राजीव चौक और दिल्ली करोल बाग। अगर महिलाएं चाह लें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। वो खुद अपने आप को कमजोर बना देती हैं। बस अगर सुबह 5 बजे से उठ के रात को 10 बजे तक महिलाएं एक्टिव रह सकती हैं तो कमजोर कहाँ से हैं। उन महिलाओं के लिए यही कहूँगी कि बेचारी बन के मत जियो, जितना जीना है बिंदास जियो, अपने लिए भी जियो, बच्चों के लिए जियो। ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने लिए जी रहे हैं तो इसमें हमारा परिवार सुखी नहीं है, खुश नहीं है। थोड़ा टाइम परेशानी होती है, उसके बाद सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जैसे हमारी डेली एक्टिविटी होती है वही जिम की भी एक्टिविटी हो जाती है। बस हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि हमें प्रूफ करना है कि हम कुछ हैं। मुरादाबाद गोल्ड जिम के कोच राजीव पाल ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कोच सिविल सर्विसेज खिलाड़ी राजीव पाल, कुश्ती पहलवान रचना सैनी, बॉडी बिल्डर मेधावी, साहिल, ऋषभ, मिस्टी, हर्षिता और सभी ने मिठाई बांटकर और फूलों से स्वागत किया। देखिए, एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन दिल्ली की ओर से एक ये कंपटीशन आयोजित किया गया था, जिसे पावर लिफ्टिंग के तीनों पूरक में किया गया था। पावर लिफ्टिंग में वेट लिफ्टिंग और स्पोर्ट्स बेंच, डेड लिफ्ट, स्क्वाट सब किया गया था। उसमें मैडम ने बेंच प्रेस में और डेड लिफ्ट में मास्टर में गर्ल्स कंपटीशन में मास्टर में गोल्ड प्राप्त किया है। अभी जो है सुनीता जी को कोशिश कर रहे हैं हम स्पॉन्सर कराएं, स्पॉन्सर करा कर उनको और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग कर सकें कंपटीशनों में और कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भी प्रतिभाग करके देश का और अपने प्रदेश का नाम सर्वोच्च स्तर पर ला सकें। काफ़ी लोग हैं पर इस एज ग्रुप के अभी तक कोई नहीं है। जैसे एज ग्रुप का मैडम का है, कई सारे लड़के हैं, कई सारी लड़कियां हैं, वो भी प्रतिभाग करते हैं। वो अभी आपने कुछ दिनों पहले मुरादाबाद में जो कुश्ती की चैंपियनशिप हुई थी वो देखी थी, मुरादाबाद में ही आयोजित की थी पूरी यूपी की, उसमें उसने गोल्ड स्थान प्राप्त किया था। एक और है उसी के साथ साथ मेधावी, उन्होंने भी एशियन गेम में बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट स्थान प्राप्त कर रखा है। एक और है हर्षिता, उन्होंने भी बॉडी बिल्डिंग में स्थान प्राप्त कर रखा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।